प्रत्यानां शुभ्रतानि स्थिरचरणिकर व्याप्यभिर्व्याप्यलोकान् भोक्ता भोगांस्तविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् शशति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुरीयं परमप्रभजं ब्रह्मजत्तन्नतोऽस्मि। अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण, उसके ऊपर विचार करते हैं। अलात शांति प्रकरण का पूर्व ग्रंथ के साथ क्या संबंध है, क्या लेकर भगवान दास सकता कि पहला प्रकरण में जिसको आत्म प्रमाण पर आधार पर लिखा गया कि जगत की पारमार्थिक सत्य नहीं है, उसी को ही युक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया है वैतत्व प्रकरण। इससे सारा चीज संसार की मिथ्या ये सिद्ध होने पर शंका हो सकता है अधिष्ठान भी मिथ्या है क्या, तो नहीं अधिष्ठान मिथ्या नहीं है। ये श्रुति और युक्ति के माध्यम से अद्वैत प्रकरण में समझाए, उसमें अंतिम में ये कहते तत्व उत्तम सत्यम जब तक किंचित ना जाए। व्यवहारिक में पारिभाषिक में उत्पत्ति होते हुए दिखाई पड़ते हैं, मतलब अपारमार्थिक सत्य यही है, किसी की सृष्टि होना संभव नहीं है। तो अंकित सृष्टि सामने वस्तु दिखाई पड़ते प्रतीति होते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं दृष्टांत को तरह समझा रहे हैं कि आलात को मतलब एक मशाल को यदि आपको तेजी से घुमाते हैं अलग अलग प्रकार की आकृति भी दिखाई पड़ते हैं, परंतु ना उस आकृति की उसको उत्पत्ति होती है ना आकृति को उसमें नाश है। यही दृष्टांत के माध्यम से आलात शांति प्रकरण शुरू करते हैं। हमारे एक मतलब परंपरागत मर्यादा है कि हम ग्रंथ के शुरू में बीच में सांप्रदायिक आचार्य को नमस्कार करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। क्यों? उससे ग्रंथ के निर्विघ्न परिसमाप्ति, निर्विघ्न परिसमाप्ति और क्या है ग्रंथ के सुष्ठु प्रचार उपयोगिता भी सिद्ध होता है, मतलब शिष्य परंपरा के माध्यम से ग्रंथ जो है लोगों के लिए हितकारक सिद्ध हो, इसलिए हम गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं। जिस विषय का प्रतिपादन करना चाहिए आप उसी को बोलना चाहिए, आप मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि इस मंगलाचरण में हम विषय वस्तु का प्रतिपादन कर दिया, मतलब ज्ञान ज्ञाता देव में पारमार्थिक युद्ध से कोई भिन्नता नहीं है। ज्ञान ही ज्ञेय रूप में प्रतीति होता है, ज्ञाता भी उसी ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेयों को जानते हैं, अलग अलग तीन दिखते हैं, परंतु जब मतलब स्वरूप का ज्ञान होता है तब ये तीन अलग, व्यवहारिक ज्ञान में तो अलग नहीं थे। जानने वाला जानने जो को वस्तु आपके ज्ञान के द्वारा उसको जानते हैं, परंतु जो स्वरूप का ज्ञान है जो हमारे यहाँ प्रतिबद्ध विषय है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। इस प्रकार पहले जो है उपदेश करने वाला है ना नारायण तत्व को नमस्कार, उसके बाद जिस उपदेश को किया गया है इस एकत्व बोध है ना उस उपदेश को भी नमस्कार करते हैं। क्यों? वो मुख्य साधक को इसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए, इसके साधन के प्रति वो निष्ठा के साथ लग जाए ताकि संसार बंधन से हमेशा के लिए छूट प्राप्ति कर सके, छूट ले। तो हम लोग दो तक पढ़ लिए थे, इसके बाद तीन नंबर से शुरू होगा आज का, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको जब तक नमस्कार व्यजन तस्व स्तुति तद उपाय सुश्रुति प्रवृत्ति अर्थम अत्र विवक्षित है, क्योंकि उस नमस्कार के माध्यम से उस उपदेश को मतलब जिस हमारे सिद्धांत है उसको स्तुति की गई है। और इसलिए क्यों किए गए हैं, क्योंकि साधक मुमुक्षु साधक को उसके उपाय के लिए प्रवृत्त हो जाए ताकि संसार बंधन से छूट सके। अब चाहे आपने क्या कहा कि अविवाद अविरुद्धश्च देशितं तं नमामः, हमारा किसी के साथ कोई विवाद नहीं है। क्यों विवाद नहीं है, क्योंकि किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। विरोध जहाँ पे हो वहाँ पे विवाद है, जहाँ विरोध नहीं यहाँ पे विवाद नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं टीका में देखिए तीन नंबर, अद्वैत दर्शनस्य अविरुद्धत्वेन अविवादत्वम् है ना, अद्वैत दर्शन किसी के साथ विरोध नहीं रखता, इसीलिए यहाँ पे विवाद होना भी संभव नहीं है। अद्वैत दर्शनस्य अविरुद्धत्वेन मतलब अविरुद्धत्वात् तृतीय पंचम में अर्थ में है वह हेतु अर्थ में, मतलब किसी के साथ विरोध नहीं रखने का अविवाद अथवा अद्वैत दर्शन के साथ किसी का कोई विवाद नहीं है। इसी को विशदी कर तो इसको थोड़ा विस्तार करने के लिए अच्छी तरह समझाने के लिए द्वैती नाम विवादम तावत उदाहरण,
अब द्वैती लोग आपस में कैसे विवाद करते हैं उसको सबसे पहले उदाहरण रूप में दिखाते हैं। विवाद क्यों करते हैं, किसको लेकर के करते हैं, तीन चीज को शास्त्र ने प्रतिपादन किया, जीव जगत और जगदीश। शास्त्र के प्रतिपादन के विषय क्या है, जीव जगत और जगदीश। जीव को दुखी देख करके, अब इस दुख अत्यंत दुख निवृत्ति सभी दर्शन में ही है, दुख निवृत्ति का उपाय जिसको जहाँ तक समझ में आया और दुख निवृत्ति का उपाय बताते हैं। तो जीव और ये जगत जो है जिसका दुख के लिए हेतु है और उसके पीछे जगदीश्वर मतलब ये जीव, वेदांति क्या बोलते हैं, जीव जगत और जगदीश्वर अलग अलग दिखाई देने पर भी इसमें कोई भिन्नता नहीं है। पंतान्नवादियों ने यहाँ पे वेद मान कर व्यवहार करते रहते दुखी होते रहते। तो यहाँ पे ये जो मुख्य रूप से सृष्टि तत्व को लेकर के, जगतकर्ता को लेकर, उपादान कारण को लेकर के जो है हमारे साथ अन्नवादियों का विरोध होता है। कोई कहते हैं सत्कार्यवादी को असत्कार्य, मतलब कार्य पहले कारण में कार्य रूप में विद्यमान नहीं है। क्या बोला, कार्य उत्पत्ति से पहले अपने कारण में कार्य रूप से विद्यमान है। और आरंभवाद बोलते हैं कि जो कार्य पहले नहीं रहता उसको नया उत्पत्ति होती है, इसलिए सांख्यवादी को सत्कार्यवाद बोलते हैं और अभी इसको हमारा न्याय वैशेषिक दर्शन को असत्कार्यवाद आरंभवाद बोलते हैं। वेदांतियों को मतलब समझने के लिए सत्कार्यवाद कहा जाता है, परंतु हम सत्कार्यवाद नहीं, हम सत्कारणवाद हैं। हम क्या है, सत्कारणवाद, हमारा कारण ही एकमात्र सत्य है, हमारे कार्य नाम कोई वस्तु नहीं, कार्य की प्रतीति मात्र होती है, इसीलिए जो है हम सत्कारणवाद हैं, ठीक है ना। अब जो है इसको लेकर के वादियों में जो आपस में विवाद दिखाई पड़ते हैं, उस विवाद को पहले दिखाने वाले क्यों लड़ते हैं, वास्तविक जो है इस प्रकार लड़ने के लिए कोई हेतु भी नहीं है। यदि हम जान गए कि वहाँ पे है अथवा नहीं है, इसको लेकर के विवाद हो रहा है, स्वर्ग कैसे आया इसको लेकर के विवाद हो रहा है। अब जो जानता है कि अब तीनों काल में स्वर्ग है नहीं, उसके साथ क्या लड़ाई करेगा, दो वादी लड़ रहे कि वहाँ पर स्वर्ग आया कैसे, हम तो पूरा दरवाजा बंद करके सोया था, वहाँ पर स्वर्ग आया कैसे, अब इसको लेकर के अब बोलते हैं नहीं नहीं वहाँ पे कोई छेद है, कोई कहता है कि ये है, परंतु जो जानते हैं कि अरे वहाँ पर स्वर्ग नहीं है, रज्जी पर हंसते हैं, इसी को मन पे रख दिया तो मन पे कि अद्वैत दर्शन से अविरुद्धत्वेन अविवादत्वं विषदीकर्तुम्। अद्वैत दर्शन किसी के साथ विरोध नहीं रखते, इसीलिए विवाद का विषय भी नहीं है। इसको विस्तार से समझाने के लिए द्वैतीनां विवादं तावदुदाहरणं, द्वैतवादियों का विवाद के कारण को सबसे पहले हमारे सामने उदाहरण रूप में रखते हैं। जब तक ये पहले भी यहाँ पे कुछ श्लोक तो पहले भी कहकर आया है, ऐसा श्लोक में भूतस्य जातिमिच्छन्ति, भूतस्य जातिमिच्छन्ति, वादिनः केचिदेव हि, वादिनः केचिदेव हि, अभूतस्य परे धीरा, अभूतस्य परे धीरा, विवदन्तः परस्परम्, विवदन्तः परस्परम्, भूतस्य जातिमिच्छन्ति, वादिनः केचिदेव हि, अभूतस्य परे धीरा, विवदन्तः परस्परम्। केचित् मतलब कुछ लोग, कुछ लोग मन सांख्यवादी को मन में रख करके बोलते हैं केचित वादिनः, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, क्या भूतस्य जातिमिच्छन्ति है ना, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते इच्छा करते हैं, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति की इच्छा करते हैं। कुछ लोग ऐसा है केचित वादिनः भूतस्य जातिमिच्छन्ति, कुछ मतलब सांख्यमत वाले वैश्य योग दर्शन वाले द्वैतवादी क्या मत है, विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसा है नए वैशेषिक वाले वो क्या बोलते हैं अभूतस्य परे, मतलब जो विद्यमान वस्तु नहीं है उसकी उत्पत्ति मानते हैं, अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं। भक्ति के द्वारा मतलब विरुद्ध कथन उत्पन्न किया गया, धीरहा विवदंत परस्पर, लोग तो धैर्यमान पुरुष है, धीर बुद्धिमान व्यक्ति है, परंतु फिर भी विवाद करते रहते हैं। मजेदार शब्द का धीर पुरुष क्या होता है, विवाद आदि में नहीं पाते, उसे अवॉइड करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति की धीर मतलब धैर्य भी है, धीर मतलब बुद्धिमान भी है, धीर मतलब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में कभी विक्षिप्त नहीं होता, इस प्रकार को धीर शब्द के द्वारा समझा जाता है। यहाँ बोलते हैं धीरा अपरे धीरा,
अन्य कुछ धीर धैर्यवान व्यक्ति क्या करता है, ये लोग विवदंत परस्परम आपस में जब विवाद करते रहते हैं, है ना। धैर्य धीर व्यक्ति का विवाद लक्षण नहीं है, है ना। इसलिए यहाँ पे जो ऐसे शब्द प्रयोग किया मजेदार कि जो है आपस में जो है विवाद करते थे। विवाद का विषय क्या है, इसी भी जगह में विवाद का विषय क्या है, मैं जो समझा वो ठीक है, बस इसी को लेकर के विवाद होता है। दूसरे जो समझा उसको सुनने के लिए अथवा उनकी युक्ति को उतना ध्यानपूर्वक हमने तो इसको समझ करके इसको मतलब विचार करके तब इस निर्णय में पहुँचा। इसीलिए शाम को जो हमारे न्याय दुशासिक दर्शन तीन प्रकार की कथा होती है ना, क्या क्या कथा, बात कथा, जल्प कथा, वितंड कथा। वो अपने आप बोलते हैं बात कथा तत्व निर्णायक होता है। बात कथा के द्वारा हम तत्व निर्णय करते हैं, गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से, शिष्य के आपस में संवाद के माध्यम से तत्व को निर्णय करते हैं। अब जो तत्व को निर्णय किया गया है उस तत्व को रक्षा करने के लिए हम जल्प और वितंड कथा को अपनाते हैं, क्योंकि जैसे एक छोटा सा पेड़ को रक्षा करने के लिए मेड़ लगाया जाता है, हमारे यहाँ जल्प और वितंड कथा असल में प्रोटेक्शन है, हमारे सिद्धांतों को रक्षा करने के लिए प्रोटेक्शन है। उसमें जल्प कथा क्या होता है, स्वपक्ष मंडन और परपक्ष खंडन। वितंड कथा करता है केवल परपक्ष खंडन, अपना कोई मंडन नहीं, अपना कोई पक्ष नहीं, केवल परपक्ष खंडन करते जाओ। तो यहाँ पे जो है परस्पर विवाद करते रहते आपस में, और उसमें तुम्हारा छल जाति जाति छल निग्रहस्थान, हाँ ये तीन को लेकर के जो है वो लोग उसको विवाद करते हैं, मतलब फैसला करते हैं कौन जीता कौन हारा। ठीक है, तो कथम दैत्य न परस्पर, यहाँ पे तो भूतस्य जातिमिच्छन्ति केचित् वादिनो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति, कुछ ऐसा दार्शनिक लोग है जो आप विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति इच्छा करते हैं, और कुछ ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो लोग अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति इच्छा करते हैं। आप इस प्रकार से तो आपस में परस्पर विवदन तो विरोध विवाद करते हुए एक दूसरे को जीतना चाहते हैं, है ना। वहाँ पर तो जल्प कथा तो वितंड कथा में तो जिजिगीषु कथा जितने इच्छा से कथा करते हैं। अब जो है भाष्य में आ जाए ना, भाष्य के लिए टीकाकार भाष्यकार के लिए उपदेश दे रहा है, एवं विरुद्धं वदन्तो मिथो जेतुम इच्छन्ति इति आह। इस प्रकार से एक दूसरे का विरोध में बोलते हुए, एवं इस प्रकार से विरुद्धं आपस में विरोधी वाक्य को वदन्तो बोलते हुए मिथो आप एक दूसरे को जेतुम इच्छन्ति जीतने की इच्छा करते, जितने की इच्छा करते इति आहुषि को मन में रखते होते हैं। परस्परम विवदंत विवदंत परस्परम आपस में विवाद करते रहते। प्रश्न पूर्वकम श्लोक अक्षराणी योजयति, है ना। श्लोक में आए हुए पदों को मतलब प्रश्न उठा करके श्लोक के अर्थ करते हैं अथवा अक्षर को अन्वय करते हैं भगवान भाष्य। कथम दैतिरः परस्परम विरुद्धन्ते इति, द्वैतवादी लोग आपस में कैसे विरोध करते रहते हैं, इस प्रकार शंका होने का था। द्वैतिन भेदवादी लोग परस्पर मतलब आपस में विरुद्ध विरोध करते रहते हैं, ये कैसे आपको पता लगा, तो मतलब सुनो कैसे पता लगा, उच्चते है ना, सुनो बोला जाता है कि कैसे विरोध करते हैं। हमारे आस्तिक दर्शन हमारे कितने हैं, छः, उसमें सिद्ध मतलब उत्पत्ति की माध्यम मतलब उत्पत्ति की सृष्टि की जगत सृष्टि के विषय में सांख्य और योग एक ही धारा में चलते हैं, सृष्टि से तिलय के विषय में, और न्याय वैशेषिक एक धारा में चलते हैं। और हमारा पूर्व मीमांसा दर्शन तो जगत को नित्य ही मान लिया, क्योंकि वेद की अपौरुषता की हानि हो जाएगी, उनकी मत में वेद अपौरुष है उसको मानते हैं, हम भी मानते हैं, परंतु वेद को शब्द राशि मानने के कारण वो क्या होता है, वेद की अपौरुषीयता है ना, अपौरुषीयता की हानि हो जाएगी, इसलिए जगत की नित्य ही मान लिया। और वेदांति जो है कि जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, हमारे पारमार्थिक सिद्धांत उत्पत्ति हुई नहीं, तो ये हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूर्वकम श्लोक अक्षराणी जो ये कथम दैत्यं परस्पर विरुद्धन्ते, यहाँ पे बोलते हैं कि उच्यते सुनो कैसे, भूतस्य भस्म मतलब विद्यमानस्य, है ना, भूसत्तायाम धातु है, भूत मतलब जिसकी सत्ता विद्यमान है, इसलिए बोलते हैं भूतस्य मतलब विद्यमानस्य, है ना, वस्तु न विद्यमान वस्तु का ही जाति मतलब उत्पत्ति इच्छन्ति, जाति यहाँ पे बोलेगा उत्पत्ति को इच्छा करते हैं। केचिद्वादिनः कुछ दार्शनिक लोग
एव ही मतलब केचित एव ही मतलब वहाँ पे एव ही का अर्थ करते हैं शांख न सर्वे मतलब कुछ लोग ही करते हैं ऐसे सभी वादी ऐसा नहीं मानते शांख एव न सर्वे सभी लोग ने न सर्वे एव द्वैत समस्त द्वैतवादी ऐसा नहीं है यानी शांख और योग जो है वो सत्कार्यवादी है विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है भूतस्य मतलब विद्यमानस्य वस्तुना विद्यमानस्य स उत्पत्ति प्राक सत कार्यस्य ये देखिए सत्कार्यवाद है अपनी उत्पत्ति से पहले कार्यों का अपने कारण में विद्यमान रहना अपनी उत्पत्ति से पहले कार्यों को अपने कारण में कार्य रूप में विद्यमान रहना इस प्रकार तीन में तेल दूध में दही उन लोगों को कारण में कार्य दिखाई पड़ता है कार्य रूप में दिखाई पड़ता है तो पूर्ववादी उसको पूछते हैं भाई तुम्हारा जब कारण में कार्य पहले से विद्यमान है तो फिर जो है कुम्हार आदि की व्यापार का क्या उपयोगिता है बोलते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए अनभिव्यक्त अवस्था में है उसको अभिव्यक्त करने के लिए पत्थर के अंदर मूर्ति दिखाई देता है कलाकार को वो क्या करते हैं केवल मात्र उस मूर्ति का प्रतिबंधक के रूप में जितना पत्थर वहाँ पर अतिरिक्त है उसको कट कर अलग कर देता है उस मूर्ति को देखने में प्रतिबंधक रूप में जो अतिरिक्त पत्थर वहां पे बैठा हुआ है उस अतिरिक्त पत्थर को अलग कर ठीक है यही जो है उसकी उपयोगिता ऐसा शांखोवादी कहते हैं तो वादी न केचित एव हि शांखा न सर्वे सभी वादी ऐसा नहीं बोलते सर्वे एव दैत्यम तो विद्यमानस मतलब क्या हो गया स्व उत्पत्ति प्राक अपने उत्पत्ति से पहले सतह कार्य विद्यमान जो कार्य है उस विद्यमान कार्य का ही फिर उत्पत्ति मानते हैं विद्यमान कार्य का ही उत्पत्ति मानते हैं ऐसा कुछ दार्शनिक लोग ऐसे अच्छा वहां पे जो एवकार कहा ना केचित एव ही तो एवकार अर्थ हेतु आह मतलब कुछ लोग ही ऐसा मानते हैं सभी लोग ऐसा नहीं मानते कुछ लोग ही ऐसा मानते हैं बाकी सब लोग नहीं मानते इसलिए टीकाकार बोलते हैं एवकार अर्थ हेतु मतलब एवकार क्यों दिया उसके लिए कारण को कहते हैं एवकार क्यों दिया उसके लिए कारण भी कहते हैं क्योंकि दसमा कुछ वादी ऐसे हैं जो अभूत वस्तु की उत्पत्ति अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं इसलिए दसमा अभूतस्य अविद्यमानस्य अपरे वैशेषिका नैया एकस्य धीरा धीमन्तः प्रज्ञाभिमानिनः इति अर्थ अपने ज्ञान के प्रति अभिमान करने वाले हो मैं ये जानता हूँ मैं समझता हूँ अपने सिद्धांत तो सही है इसे बोलते हैं जस्मात् अभूतस्य अभूतस्य मतलब अविद्यमानस्य है ना जो पहले से विद्यमान अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते हैं तो इस प्रकार कौन लोग हैं वैशेषिका नैया एकस्य है ना माना कानाग और गौतम के अनुयायी लोग है ना ये लोग अपने को धीरा मतलब बुद्धिमान मानते हैं धीमंत प्रज्ञाभिमानी न अपने प्रज्ञा अपने ज्ञान का ऊपर अभिमान करने वाला इति अर्थ इसका अभिप्रेत अर्थ है तो एवकार मतलब क्या हो गया सभी लोग नहीं मानते कुछ लोग ऐसा मानते हैं इसलिए एवकार दिया हुआ यहाँ पे और वहाँ पे दसमा अभूतस्य अविद्यमानस्य इसके ऊपर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है अविद्यमानस तो असत कार्यस्य इति अर्थ है ना जो कार्य पहले से नहीं है उसका जो अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति होते हैं मुख्य सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण के एक श्लोक है भगवत न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतो उभयोर दृष्टान्त स्मरणय तत्प्रश्न मतलब सद वस्तु की जो है असत सद वस्तु असत नहीं हो सकता असत वस्तु सत नहीं हो सकता तो जो विद्यमान है फिर उत्पत्ति होगा असत हो जाएगा वो क्योंकि उत्पत्ति से मतलब नाशवान होता है और असत जो है जो है ही नहीं है ना उसकी फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए यहाँ पे ये सिद्धांत ही उनका सही नहीं है भगवत गीता की मैं मंत्र से जो कई बार बोलते सुना दस मंत्री से यदि कम से कम भगवत गीता भी ठीक से पढ़ लेते तो इतनी बड़ी गलती नहीं पड़ती यदि भगवत गीता भी कम से कम ठीक से पढ़ लेते तो इतनी बड़ी गलती नए वैशेषिक लोग जो कहते हैं और आत्मा में मतलब अचेतन आत्मा को जो है चेतन नहीं मानते हैं आत्म मन संयोग से आत्मा में चेतन रहता है उत्पत्ति होती है पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बोलते हैं धीरा धी मत प्राज्ञाने मतलब ढंग से पढ़ लेते मतलब परंपरा से पढ़ लेते हैं तब तो जाकर के घटती है तो परंतु हमने ऐसा बोलते हैं कि ये जो व्यासदेव जी महर्षि गौतम के पास न्याय दर्शन पढ़े थे व्यासदेव जी महर्षि गौतम के पास न्याय दर्शन पढ़े
बस उनको फर्क जो है उनको तो ठीक नहीं लगा सिद्धांत, तो अपने गुरु के साथ ही जो है उनका कभी कभी विवाद हो जाता था। तब गुरु जी नाराज हो गया, तेरा मुँह ही नहीं देखूंगा। तब शिष्य देखे तो मांगा, तब जाके हर एक माँ समझे ठीक है जाए सही कर, बोलते ठीक है चल मैं अपना पैर में एक आंख बना ले तो उसी से तेरे को देखा। उनका नाम किसने एक आंख पैर नहीं है, अक्षपाद है उनका नाम, अक्षपाद है। किसका? गौतम का, गौतम सिंह उनका अक्षपाद नाम है। व्यास जी ठीक ऐसे मतलब कथा परम्परा से ऐसे बोलते हैं, तो पुराण में कहीं कथा आया होगा ऐसा, तो ऐसा बोलते हैं कि व्यास देव जी उनके पास न्याय दर्शन पड़े, न्याय दर्शन पड़ने के बाद उनका सिद्ध अशोक कार्य वाली जो है तो मानते नहीं है, तो उनके साथ कई बार विवाद हुआ। जैसे गुरु शिष्य विवाद होने पर गुरु जी नाराज हो गए, मुँह ही नहीं देखो मेरा। तब उसने सोचा कि ठीक नहीं है, मैं कहते तो जाके माफी मांगे तो ठीक होते, ठीक है देखूंगा तो कैसे देखूंगा, पैर से देखूंगा सर, पैर में एक आँख मांगा है। उनका नाम है अक्षपात। कोई कोई बोलता है कि मतलब पैर से मतलब नीचे का चीज़ दिखते हैं, ऊपर का चीज़ नहीं दिखेगा, दृष्टि निम्न है, ऐसे जैसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भूतस्य जाति बोल रहे हैं यहाँ पे कि दसमा अभूतस्य अविद्यमान मतलब असत कार्य अर्थ, जो कार्य विद्यमान नहीं है उसका जो अपरे वैशिष्य का कुछ लोग ऐसा उससे भिन्न अपने मतलब न्याय सांख्य योग दर्शन से भिन्न सिद्धांत को मानने वाले कौन लोग हैं? लोग वैशेषिका न्यायिकाश्चर्य, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन इन दोनों जो है धीरा अपने को बुद्धिमान मानते हैं, प्रज्ञाभिमानी न मतलब अपने ज्ञान के अभिमान भी रखते हैं। इति अर्थ ये मजेदार शब्द बोलते हैं गौतम वैशेषिक, न गौतम न्याय दर्शन का ना वैशेषिक, ये प्राज्ञ अभिमानी न। आप देखो हमारे यहाँ पे ऐसा कथन है, विद्या ददाति विनयम, विनयम पात्रता, पात्रता धनम ददाति धनधर्म तथो सुखम। और विद्या यदि आप यथार्थ ग्रहण हुआ तो विद्या प्राप्त होने पर आपके अंदर विनय आना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? प्राज्ञाभिमानी न, अभिमान करने वाले मतलब ज्ञान कुछ कैसे शब्द भगवान भाष्यकर लिखते हैं कि आपने जो है जो दर्शन बनाया और पूरा विचार नहीं करते, जितना हमने समझा यही सही है, इस प्रकार अभिमान करने वाले लोग आपस में लड़ते रहते हैं। इसी अर्थ तो अभूतस्य परे धीरा। अब आगे बात आया है, देखिए यहाँ पे जो है टीका में देख लीजिए एक छोटा सा, प्राज्ञ अभिमानी न जाति विच्छन्ति इति पूर्वेण संबंध, मतलब क्या है जो जाति विच्छन्ति इसका अन्न जैसा पहले लाइन में है ऐसा सेकेंड लाइन में भी है। पहले लाइन में क्या देखा? भूतस्य जाति विच्छन्ति, यहाँ पे क्या अभूतस्य जाति विच्छन्ति, अब वहाँ पे केचित वादिन भूतस्य जाति विच्छन्ति, अन्न करने के लिए कर्ता को पहले लड़ना पड़ता है, तो केचित वादिन भूतस्य जाति विच्छन्ति, अपरे धीरा अभूतस्य जाति विच्छन्ति, सेकेंड लाइन की पहला पाद में ऐसे अपरे धीरा अभूतस्य जाति विच्छन्ति है ना, अविद्यमान वस्तु की सृष्टि की चिंता कल्पना करते हैं। यहाँ पे टीकाकार बोलते हैं प्राज्ञ अभिमानी है ना, अभूत धीरा का अर्थ क्या करते हैं? धीमंत प्राज्ञ अभिमानी न जाति विच्छन्ति, मतलब पहले लाइन में आया हुआ जो जाति उसके साथ इसका अन्वय होगा तब जब अर्थ पूरा होगा, इसलिए प्राज्ञ अभिमानी न जाति विच्छन्ति इति पूर्वेण संबंध। तो तीन पद की व्याख्या तो हो गई, अब बचा कौन? चौथा पद, ठीक है। चौथा पद क्या है? विवदंत परस्परम, टीकाकार लेकर चतुर्थ पादम साध्यहारम व्याकरति, चतुर्थ पाद को व्याख्या करने के लिए कुछ पद को अध्ययन करके फिर व्याख्या करते हैं, कुछ पद को अध्ययन करके व्याख्या करते हैं। चतुर्थ पादम साध्यहारम मतलब अध्ययन के साथ कुछ शब्द को लगा करके, क्या शब्द लगाया हुआ? विवदंत मतलब विवाद क्यों करते हैं, अध्ययन क्या क्या जीत इच्छा, एक दूसरे की जीतने की इच्छा, इसलिए बोलते हैं कि चतुर्थ पाद साध्यारम व्याकरति, हर चीज को जो क्या यहाँ पर अधिक शब्द लगा है भगवान माच का श्लोक में नहीं है जो तुम इच्छा, इसको अध्ययन करके अर्थ करते हैं। इसलिए बोलते हैं विवदंत मतलब विरुद्धम वदंत, एक दूसरे का विरोध में बोलते रहते हैं। वो कहता है कि अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति है, बोलते हैं अविद्यमान वस्तु मतलब कभी किसी को उत्पत्ति हुआ कभी कहीं से सशस्य की कभी उत्पत्ति होती है, जो अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती प्रसिद्ध है, अतः अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति मानते, अब तो विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होगी, खड़ा से घड़ा की उत्पत्ति होते देखे गए थे, इस प्रकार से करते रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं विवदंत विरुद्धम वदंत ही, और क्या करते हैं जो अध्ययन भावी है अनन्यम जेतु इच्छन्ति इति अभिप्राय है ना, अन्योन्यम एक दूसरे को जीतने की इच्छा करते हैं,
अन्योन्यम जेतु इच्छति इति अभिप्राय, इतना भाग भगवान भाष्यकार जोर के अर्थ करते हैं, इसलिए विवाद होते हैं जितने कि मैं जो बोल रही वही सही है, तुम ठीक नहीं बोल रहे, इसी के लिए तो लड़ाई होता है। मेरे को हमारा लल्ली है ना, लल्ली बड़ा मजे से बात करता है, महाराज इतना दिन से जो है यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, इतना देश है तो इसको कोई एक देश वाला भी नहीं बोला कि दोनों मिलकर के बैठ के आपसे समझना कसम नहीं, दोनों बोल लड़े जाओ, इसको इसको बोल लड़े हो लड़े जाओ, ये देखिए क्या प्याज की लल्ली को भी जाओ लड़े जाओ, बर्बाद हो रहा है नाश हो रहा है, परंतु लड़े जाओ जितना भी होता है कि विवदंत विरुद्धं वदन्ति हि अनन्यम् इच्छन्ति हेतुम् इति अभिप्राय, इसका हो गया। अब चाहे इसमें दोष क्या हुआ, गलती क्या है, तो बोलते हैं तो नुकसान क्या हुआ, इसको लेकर क्या अगला बोलते हैं, पक्ष द्वैतिका में पक्ष दय निषेध मुखे न सिद्धम अर्थम कथे, इससे जो लाभ हुआ दोनों मत लड़ते रहते हैं, इससे क्या अर्थ सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है, आप बोल रहे हो कि ऐसे चीज बना, आप बोल रहे हो ऐसे चीज बना, तो दोनों में जो आपस में डर रहे हैं, यानी कि जो है वो चीज बना ही नहीं, एक कल्पना, यदि वो ठीक से बनी होती तब निश्चित ही किसी तंत्र में पहुंचते, यदि वो ठीक कहीं पे नियम से बना होगा तब हम क्या होगा, तो सभी बातें एक ही चीज कहते, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पक्ष द्वय निषेध मुखे न, दोनों पक्षों के निषेध करते हैं कौन वेदांति, न सत से सत्य उत्पत्ति होना संभव है, ये तुम सही बोल रहे हो, मतलब न्याय दृष्टि को बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो, शंखवादी जो बोलते हैं ना सत्य से ये होना संभव नहीं है, और शंख भी बोलते हैं हाँ तुम भी सही बोल रहे हो, असत की उत्पत्ति कहाँ देखा गया, मतलब क्या है उत्पत्ति होना संभव नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं, हमारे सिद्धांत तुम्हें सिद्ध कर दिया, जब ये दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं, जब दोनों किसी व्यक्ति ने सिद्ध नहीं कर पा रहे कैसे सृष्टि हुई, यानी कि सृष्टि हुई नहीं, ये सिद्धि प्रतिनिधि मात्र होती है, इसलिए बोलते हैं पक्ष दय निषेध मुखे न, दोनों पक्षों के निषेध के माध्यम बना करके सिद्धम अर्थम, क्या अर्थ सिद्ध हुआ उसको बोलना चाहते हैं, ग्रंथ का ज्ञान सिद्धम अर्थम कर रहे थे कि जो पक्ष दय निषेध मुखे न, तो हम एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं, परस्पर निषेध है ना, हम निषेध नहीं करते, हम शंखवादी को नहीं बोलते कुछ, हम तो नए कुछ शिष्य को बोलते हाँ तुम सही बोल रहे, और इधर शंख को बोलते हाँ तुम भी सही बोल रहे, लड़ाई बंद कर लो, सृष्टि हुई नहीं, किसको लेकर के लड़ाई कर लो, जिसके कोई मूल्य ही नहीं है, इसीलिए आप बोलते हैं श्लोक में भूतम न जायते किंची, भूतम न जायते किंची, दभूतम नैव जायते, दभूतम नैव जायते, विवदन्तो दयाहिव, विवदन्तो दयाहिव, मजाति मिख्यापयन्ति ते, मजाति मिख्यापयन्ति ते, भूतम न जायते किंचि, भूतम नैव जायते, विवदन्तो दयाहिव, मजाति मिख्यापयन्ति ते, क्या बोलते हैं विद्यमान वस्तु को तो उत्पत्ति होना संभव नहीं है, भूतम न जायते किंचित, विद्यमान वस्तु को तो उत्पत्ति, अभूतम नहीं बजायते, विद्यमान वस्तु को उत्पत्ति हुई नहीं तभी तो अविद्यमान बोलते हैं, इस प्रकार से विवदंत द्वया एवं, इस प्रकार वो दोनों आपस में विवाद करते हुए क्या करते हैं, हमारे सिद्धांतों की पुष्ट करते हैं, अजाति ख्यापयन्ति ते, अजाति मतलब सृष्टि होना संभव नहीं है, ऐसी कोई जो है मतलब एडवर्टाइज करते रहते हैं, अजातवाद की पुष्टि करते हैं, अजातवाद ख्यापयन्ति, अजातवाद के उपयुक्त समर्थन करते रहते थे, अजाति ख्यापयन्ति, अजातवाद का ही प्रचार करते रहते हैं, आपस में इस प्रकार से दो व्यक्ति लड़ करके ना विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति हो सकते हैं ना विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति हो सकते हैं, आपस में इस प्रकार दोनों लड़ करके यानी कि उत्पत्ति पारमार्थिक होना संभव ही नहीं है, इसी को ही वो लोग ख्यापन करते, इसको ही कथन करते रहते हैं। अच्छा तो यहाँ टीका में देखिए बोल रहे हैं श्लोक अक्षर व्याख्यान अर्थम आकांक्षा निक्षिपति, श्लोक की अक्षर को व्याख्या करने की इच्छा से एक आकांक्षा को निक्षेप करते हैं, आकांक्षा को मतलब क्यों भगवान बालिका का एक आकांक्षा क्या अभिप्राय, इसमें
उसका श्लोक अक्षर व्याख्यान अर्थ श्लोक की श्लोक में आए हुए पदों को व्याख्या करने के लिए आकांक्षा निक्षिपति क्यों इस श्लोक को लिखा उसके पीछे आकांक्षा यहाँ पे निक्षेप करके भगवान दास पर लाते हैं। तही एवं विरुद्ध वदने न उन वादियों के द्वारा मतलब सांख्य योग एक पक्ष में और न्याय वैशेषिक एक पक्ष में और उनका अनुयायी भी बहुत है उनको सब चलने वाले इसलिए तय एवं विरुद्ध वदने न उन वादियों का इस प्रकार विरुद्ध कथन के द्वारा अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद भी तही एक दूसरे की पक्ष को निषेध करने वाले उन लोगों के द्वारा किम ख्यापितम भवति क्या सिद्ध होता है उनकी विवाद से क्या सिद्ध होता है उनकी विवाद से यही सिद्ध होता है सृष्टि पारमार्थिक होना संभव नहीं है। यदि सृष्टि पारमार्थिक हुई होती तो निश्चित ही एक ही सिद्धांत में पहुंचता होता तो दोनों दर्शन एक अच्छा दिन है। इसलिए कई एवं विरुद्ध वदने न उन वादियों के द्वारा इस प्रकार विरुद्ध कथन के माध्यम से अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वत भी एक दूसरे के पक्ष को निषेध करने वाले उन वादियों के द्वारा किम ख्यापितम भवति क्या प्रकाशित होता है ख्यापितम मतलब क्या कथन होता है तो क्या निर्णय होता है इति इस प्रकार से प्रश्न उठने पर उच्चते सुनो क्या इसके द्वारा क्या निर्णय होता है सुनो इसके द्वारा क्या निर्णय होता है तब बोलते हैं कि भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते किंचित् विद्यमानत्वात् एव आत्मवत् ठीक है जो कि अनुमान शैली में कितना सुंदर लिखा भूतं मतलब विद्यमानं वस्तु भी हो गया पक्ष न जाय किंचित् न जायते किसी भी विद्यमान वस्तु की दोबारा उत्पत्ति होना संभव नहीं है अकस्मात् विद्यमानत्वात् आत्मवत् ठीक है सामान्य लिखा इसको आप किसी प्रकार से पक्ष हो गया भूतम मतलब विद्यमानम वस्तु ये पक्ष साध्य हो गया न जायते किंचित न किसी भी प्रकार से उसका उत्पत्ति होना संभव नहीं है हेतु हो गया विद्यमानत्वात् विद्यमान होने के कारण अविद्यमानत्वात् एव अधिष्ठान तो क्या दिया आत्मवत् जिसमें आत्मा हमेशा रहे तो आत्मा की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इसी प्रकार से जो है कोई भी विद्यमान वस्तु विद्यमान होने के कारण ही उसकी फिर दोबारा उत्पत्ति होना संभव नहीं है इति एवं बदन इस प्रकार बोलते हुए कौन लोग असतवादी इस प्रकार बोलते हुए असतवादी सांख्य पक्ष प्रतिषेध असत कार्यवाद सांख्य पक्ष को निषेध करते कि असत में न्याय वैशेषिक दर्शन उनका भाषा तर्क भाषा होते हैं है ना वो जो है हमेशा अनुमान के सहारे चलते हैं तो पक्ष साधो दृष्टान्त हेतु और दृष्टान्त के माध्यम से ये होता है सांख्य ये जो हमारा न्याय वैशेषिक दर्शन सांख्यवादियों को इस प्रकार कथन के द्वारा खंडन करता है क्या खंडन करता है कि भूत मतलब विद्यमान वस्तु न जायते किंचित विद्यमानत्वात् आत्मवत् विद्यमान वस्तु न जायते किंचित विद्यमानत्वात् आत्मवत् ये उसकी शैली है बोलने की शैली ऐसी है। तो इस प्रकार से बोलते हुए न्याय वैशेषिक दर्शन सांख्यवादी के सिद्धांतों को खंडन करते हैं है ना इसलिए असतवादी सांख्य असतवादी करता है मतलब असत कार्यवाद सांख्य पक्ष को प्रतिषेध निषेध करते हैं क्या निषेध करते हैं सद जन्म विद्यमान वस्तु का जन्म होना संभव नहीं है ठीक है भाई तथा ठीक इसी प्रकार से अभूतम अविद्यमान मतलब अविद्यमानत्वात् नैव जायते शशु विषाणवत् अविद्यमान वस्तु न जायते अविद्यमानत्वात् शशु विषाणवत् तुम जो भी अनुमान करना सीखा हम भी अनुमान करना सीखा सांख्यवादी बोलते हैं हम भी अनुमान करेंगे तुम्हारी तरह वो क्या बोला जो अभूतम मतलब अविद्यमान वस्तु न जायते अविद्यमानत्वात् शशु विषाणवत् बंधपुत्रवत् बस ये हो गया इसका पक्ष इसलिए बोलते तथा ठीक उसी प्रकार से अभूतम अविद्यमान अविद्यमानत्वात् वे हेतु है अविद्यमान वस्तु न जायते किंचित अविद्यमानत्वात् शशु विषाणवत् ठीक है ना सूत्र सजा लीजिए तो ये अनुमान के प्रारूप आ जाएगा वहाँ पे इनके पक्ष में हो जाएगा वहाँ पे क्या था भूतम विद्यमानम वस्तु अभूतम मतलब अविद्यमानम वस्तु ठीक है ना अविद्यमान न जायते किंचित कुछ उत्पन्न नहीं हो सकता क्यों अविद्यमानत्वात् दृष्टान्त शशु विषाणवत् शशशृंग की तरह इति एवं वदन इस प्रकार बोलते हुए सांख्य अपि असतवादी पक्षम असत जन्म प्रतिषेध इस प्रकार बोलते सांख्यवादी भी क्या करता है असतवादी पक्ष का मत आरंभवाद को न्याय वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत को खंडन करते रहते हैं वेदांत क्या करते हैं बोलते बहुत अच्छी बात तुमने हमारे सिद्धांतों को पुष्ट कर दिया
तुमने हमारे पुष्टक सिद्धांत को पुष्ट कर दिया। विवदंत मतलब विरुद्ध वदंत द्वया द्वैतिन, इस प्रकार आपस में विरोध बोलने वाले द्वैतियों द्वैतवादियों के द्वैतिन अपि एते अनन्यस्य पक्षो सदसत जन्मनि, ये जो एक दूसरे के पक्ष को एक सत की जन्म एक असत की जन्म, ये जन्मन प्रातिपदिक है, जन्म जन्मनि जन्मानि ये द्विवचन है, सद असत जन्मनि है ना, जन्मन प्रातिपदिक है, जन्मन जन्म जन्मनि जन्मानि ये प्रचल है, इसे मन मनसी मनांसी इस प्रकार ना। तो अनन्य पक्षो सत असत जन्मनि, सत और असत दोनों जन्म को प्रतिषेधंत आपस में निषेध करते हुए अजाते अनुत्पत्ति अर्थात ख्यापयन्ति है ना, अर्थ से आर्थिक अर्थ ये निकालते हैं कि उत्पत्ति पारमार्थिक उत्पत्ति होना इसी को प्रख्यापन करते जो कहना करता मतलब ख्यापयन मतलब प्रकाशयंती थे वो लोग इसी को प्रकाशित करते मतलब वेदांतिक सिद्धांत को पुष्ट करते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग के बाद दूसरे बाद इसलिए वेदांत दर्शन में ना समस्त वादियों को सिद्धांत को अच्छी तरह से पढ़ा समझा फिर श्रुति के साथ मिलाया, मिलने के बाद क्या होना पारमार्थिक संभव इसलिए सबका बात का दर्शन सबसे बात का दर्शन है ये शंकर दर्शन सबसे पुराना है और ये सबके बात का दर्शन इसलिए कि पक्षो सद असल जन्मनि प्रतिषेधांत जाति अनुत्पत्ति अर्थात क्या पयंती मतलब आर्थिक अर्थ से ये सिद्ध होता है कि जो उत्पत्ति पारमार्थिक होना संभव नहीं है इसी को प्रकाशित करते हैं ते मतलब इस प्रकार परस्पर विवाद करने वाले वो दोनों पक्ष ऐसा दोनों ही पॉइंट ठीक है ना। ये जो शंखवादी को वो बोलता है न्यायवादी जे अभूत दोनों ही सही है तभी तो हमारे पक्ष सिद्ध होगा, तभी तो वेदांतिक पक्ष सिद्ध होगा, किसी एक में गलत होगा तो दूसरे वादी बोल पक्ष सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसे दोनों ही पक्ष सही अपने दृष्टि सही बोल रहे हैं अपने सिद्धांत का, तभी जाकर के जो आप दोनों ही पारमार्थिक होना संभव नहीं है है ना, सत्य सत की उत्पत्ति होना संभव नहीं, असत से चार प्रकार सत्य सत की उत्पत्ति सत्य असत की उत्पत्ति सत्य सत की उत्पत्ति सत्य असत की उत्पत्ति और असत से सत की उत्पत्ति असत से असत की उत्पत्ति चारों प्रकार से उत्पत्ति होना सत्य सत उत्पत्ति होना संभव नहीं ना, विद्यमान है वो उसके फिर घट से घट की उत्पत्ति कैसे हो, सत्य असत की उत्पत्ति ये भी होना संभव नहीं है, सत्य सत की उत्पत्ति भी होना संभव नहीं है, रज्जु से इसलिए रज्जु को पुनः सर्प उत्पत्ति होते विवर्तवाद है मतलब प्रतीति मात्र है, इसलिए हमारी उत्पत्ति मतलब विवर्तवाद है, प्रतीति मात्र है पारमार्थिक परिणाम नहीं है वहाँ पे, यह अभिप्राय है। अच्छा यहाँ पे टीका में फिर आइए, तत्र आद्यम पादम अवतार्य व्याकरति मतलब ये जो परस्पर इसको शंका, तब ये दोनों जो है आपस में विरोध करते हुए क्या चीज को प्रकाशित करते हैं, इस प्रकार शंका होने पर इस विषय में पहला पाद श्लोक का पहला पाद कहे भूतम न जायते किंचित, इस पाद को अवतरण करते व्याख्या करते तत्र आद्यम पादम अवतार्य, इस विषय में पहला पाद को अवतरण करते व्याकरोति भगवान भाष्यकार उच्चते इस प्रकार दो नंबर टिप्पणी तो उक्त शंकायाम सत्यम, इस प्रकार की शंका होने पर उक्त शंकायाम सत्यम सत्य सप्तम इस प्रकार की शंका होने पर सत्य सप्तम है तत्र है ना, तत्र सप्तमी है सत्य सप्तम मतलब ऐसा होने पर उक्त शंकायाम सत्यम। अच्छा भाई तो क्या होता है वहाँ पे तत्र उच्यते भूतम विद्यमान वस्तु न जायते किंचित, विद्यमान वस्तु किंचित न जायते विद्यमान आत्मवत, ठीक है ना, आत्मा की उत्पत्ति होती कि नहीं होती, नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि हमेशा विद्यमान त्रिकाल अवाधत्य होती है काल के बाद ही उसकी उत्पत्ति नहीं होती, न जायते देयते वा कदाचित न उसकी उत्पत्ति होना संभव ही नहीं, ठीक है। अब द्वितीय पाद विभाजते, अब वहाँ पे द्वितीय पाद क्या हुआ है अभूतम नहीं बजायते है ना, अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती से द्वितीय पद तथा ठीक उसी प्रकार से अभूतम अविद्यमान अविद्यमानत्वात् अविद्य है ही नहीं होता तो दिखाई पड़ता, इस अविद्यमान वस्तु कैसे उत्पत्ति हुआ है कैसे कह सकते हैं, नहीं वह जायते सशानवत एवं वगन इस प्रकार बोलते हुए शांख अभी असतवादी पक्ष शांख पक्ष भी न्याय सचिव पक्ष को असत जन्म प्रति असत की जन्म को निश्चित करते हैं निश्चित करते हैं। आप द्वितीय अर्थम विभाजित श्लोक की द्वितीय अर्थ पहले दो पाद को लेकर के बोला, आप द्वितीय अर्थ मतलब विवादन तो दया ही एवं अजातिन ख्यापयन्ति श्लोक का सेकंड हाफ है,
है ना, श्लोक का सेकंड टाइप है विवदंत दया एवं अजातिर खैपयन्ति ते, वो लोग मतलब उत्पत्ति रहित होना संभव ही नहीं किसी को प्रकाशित करते हैं। तो यहाँ पे जो है टीकाकार बोलते हैं द्वितीय अर्थ विमजित, द्वितीय अर्थ को अलग करके दिखाते हैं, विवदंत विरुद्धम वदंतो द्वया द्वैतिन, इस प्रकार आपस में विरोध बोलते हुए ये द्वैतवादी पक्ष अभी दोनों पक्षी एते दोनों अन्योन्यस्य पक्षौ, एक दूसरे की पक्ष अनन्य पक्षौ मतलब एक दूसरे की पक्षों को सत असतो जन्मनि, एक सत की उत्पत्ति मानते एक असत की उत्पत्ति मानते, सत असतो जन्मनि प्रतिषेधंत उसको निषेध करते हुए अजाते मतलब अनुत्पत्ति है ना, उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है, अर्थात मतलब आर्थिक अर्थ से अर्थ निकलता है। मैं एक दिन दृष्टांत बताया था ना आपको, एक जो है शक्ति व्यक्ति से अर्थ निकलता है, एक लक्षणा व्यक्ति से अर्थ निकलता है, एक व्यंजना व्यक्ति आर्थिक अर्थ आर्थिक व्यक्ति। इसलिए क्या बताया था कि गच्छ गच्छसि चेत् कान्त पन्थानम् अस्तुते शिवा, पन्थानम् अस्तुते शिवा, मम अपि जन्म तत्र भूयात् यत्र गतो भवान, है ना, अहे प्रिय आप जाना चाहते हो जाओ, आपकी मार्ग कर शुभ हो, गच्छसि चेत् कान्त, हे प्रिय यदि आप जाना चाहते हो जाओ, आपका मार्ग कल्याणकारी हो, पन्थानम् अस्तुते शिवा, पन्थानम् अस्तुते शिवा, आपकी मार्ग कल्याणकारी हो। मामा भी जन्म तत्व भूया, मेरे जन्म भी वहीं पे हो जाए, मेरी जन्म भी वहीं पे हो जाए, जत्रोगत भव जहाँ पे आप जा रहे हैं, तो आपको दोबारा जन्म लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, यानी कि आप अगर जाओगे तो मैं मर जाऊँगी, ये आर्थिक अर्थ है, दुख से मैं मर गई आर्थिक अर्थ से अर्थ निकलता है। ये यहाँ भी ऐसे ही, और आप दोनों वादी एक सदवादी पक्ष खंडन करेंगे, आर्थिक कौन सा, ये जो अभी हाँ ये अष्टिक अर्थ नहीं है, मतलब वो कहना चाहते हैं कि अब मत जाओ मैं मर जाऊंगी, ये कहना चाहते हैं, परंतु वो नहीं बोला, तो नहीं बोलते हुए ये शास्त्री मतलब ये जो है साहित्यिक प्रयोग है ऐसा, वो नहीं बोलते हुए इस प्रकार श्लोक कहते हैं कि आप जाओ आपका मार्ग अच्छा हो, आपके मार्ग कल्याणकारी हो, परंतु मेरा भी जहाँ हो मेरी भी जन्म वहीं पर हो जाए जहाँ पे आप जा रहे हैं। इस प्रकार से आर्थिक अर्थ इसी प्रकार से दो वादी आपस में विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इस प्रकार आपस में परस्पर विवाद करते हुए किस चीज़ को प्रकाशित करते हैं, जन्म होना ही चाहिए, दो ही तो वस्तु है आपके पास सत और असत, तो दोनों प्रकार से उत्पत्ति होना संभव नहीं, अनेक उत्पत्ति होनी संभव नहीं, आर्थिक अर्थ से निकालते से बोलते हैं कि प्रतिषेधंत अजाति अनुत्पत्ति अर्थात ख्यापयंती, मतलब आर्थिक अर्थ से यही प्रकाशित होता है, क्या मान्य होता है प्रकाशयंती थे, तो लोग उसी को प्रकाशित करते हैं। एक चीज़ है जो सांख्यवादी है उसको तो गीता पढ़ने का अवसर मिला नहीं, क्योंकि तब तक गीता तो आया नहीं, गीता नहीं आया तो कोई बात नहीं, उपनिषद तो अनादिकाल से चलता रहा है, आप तो वेदवादी हैं, गीतावादी तो हम नहीं बोल रहे हैं, आप आस्तिक दर्शन है मतलब वेद को मानने वाले, नास्तिक दर्शन मतलब वेद को नहीं मानने वाले, गीता को लेकर के नहीं बोलते नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन वेद मानने वाले। अच्छा आप यहाँ पे बोलते हैं सत असत अतिरिक्त वस्तु अभाव, सत असत अतिरिक्त वस्तु वस्तु अभाव, वस्तु तो उत्पत्ति है अनुपत्ति इति आह, सत दो ही प्रकार की वस्तु है आत्मा और अनात्मा, आत्मा और अनात्मा, आत्मा का भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अनात्मा की भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इसलिए सत और असत दो ही प्रकार की वस्तु है, उससे अतिरिक्त तो कोई वस्तु की है ही नहीं, इसलिए सत असत अतिरिक्त तो वस्तु अभाव, फल तो क्या होगा वस्तु तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से उत्पत्ति अनुपत्ति, उत्पत्ति युक्तिहीन है, उत्पत्ति युक्तिहीन है, इसलिए बोलते हैं पारमार्थिक दृष्टि से उत्पत्ति है मतलब उत्पत्ति का अनुपत्ति, असत वस्तु है क्या, असत मतलब प्रतिभाषी वस्तु के लिए हम यहाँ पे यद्यपि असत शब्द और मिथ्या शब्द को कहीं कहीं मिला के प्रयोग करते हैं, मतलब असत और मिथ्या एक नहीं है, दोनों में हमारे सिद्धांत के अनुसार वेदांतिक सिद्धांत पारिभाषिक कोई भिन्नता है, असत वस्तु को तो मतलब दिखाई नहीं पड़ती, परंतु हाँ मिथ्या वस्तु प्रतीति होती है, परंतु जिस रूप में प्रतीति होती है उस रूप में प्राप्त नहीं होता, इसका मित्र यद रूपे न यद निश्चय तद रूप न व्यभिचरती तत्सत्तम,
जत रूपेण निश्चय के तत्व रूप तो व्यभिचरतिगत अन्यथा जगतिक वस्तु जिस रूप में हम निश्चय करते हैं वो क्या होता है, वो सब रूप व्यभिचर करते रहते हैं, इसीलिए उसको अनित मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या और असत में ये भिन्नता है। हमारे मानवीय को कार्य का कारण मिथ्या और असत एक ही करते हैं, मतलब मिथ्या असत है ही नहीं, जिनको उत्पत्ति नहीं मानते हैं। और हम यहाँ पे प्रतिभा स्वीकार इसको लोग प्रकाश करता है कि उत्पत्ति होना संभव नहीं है। ठीक है, वो आपस में लोग लड़ते रहते हैं, तो आप लोग क्या करते रहते हो, हम बस इतना ही करते रहते हैं। आपका उसको उसके सिद्धांत दोनों पक्ष को आप सही बोल रहे हो, ये वेद यही दिखाया, इसलिए हमारे पक्ष सही है। तभी टीका में देखिए पांच नंबर के लिए प्रतिवादी भी उक्तत्व अजाति अभी भवता प्रत्यक्षेय। अब क्या है संधान देखिए क्या बोल रहे हैं, जो प्रतिवादी बोलते हैं उसका खंडन करते हो ना, तो प्रतिवादी क्या सिद्ध किया, उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इसको तुम खंडन करो। प्रतिवादी जो बोलेगा वो तुम खंडन करना चाहते हो, ठीक है ना। अब आपने क्या बोला, एक सत्य से उत्पत्ति होना संभव नहीं है, असत्य उत्पत्ति है, यानी कि उत्पत्ति होना संभव नहीं तो प्रतिवादी बोल दिया, तो उसको तुम खंडन करोगे। बोलते ये तो हम अनुमोदन करते हैं, हम खंडन नहीं करते, इसको तो मानते हैं। संकेत ना सुंदर मजे धारण के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तभी प्रतिवादी भी प्रतिवादियों के द्वारा उक्तत्व उक्त होने के कथन होने के कारण अजाति रखी भगवता प्रत्यक्ष है, तो जन्म नहीं होना चाहिए, ये भी आपको खंडन कर दो आप इसको, क्योंकि आप तो प्रतिवादी जो बोलते हैं खंडन 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 में क्या किया, अन्नान्न वादी के जो भी पदार्थ है सारा खंडन का, अपना खंडन अपना मंडन कुछ नहीं किया, तो बोलते इसको भी खंडन करो, खंडन करोगे तो क्या सिद्ध होगा, जाति सिद्ध हो जाएगा, उत्पत्ति सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बोलते तभी प्रतिवादी भी रूप तत्त अजाति रखी भगवता प्रत्यक्ष है, इसको भी प्रत्यक्षण करना चाहिए, ये भी छोड़ दो तुम। बोलते नहीं नहीं आशंका नहीं नहीं, ये इस जगह पर हम अपने सिद्धांत से नहीं आ लेंगे, हम इधर उधर मतलब लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं है, हम तो सिद्धांतों को दिखाना चाहते हैं, तो उन वादियों के कथन कथन हम अपने सिद्धांतों को सिद्ध कर लेंगे। अब पांचवा देखिए ख्याप्यमानाम जातिम तै ख्याप्यमानाम जातिम तै रनुमोदामहे वयम् रनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैर्षार्ध विवदामो न तैर्षार्ध अविवादं निबोधत अविवादं निबोधत ख्याप्यमानाम जातिं तैरनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैर्षार्ध अविवादं निबोधत। हमेशा याद रखना अभिवादन निबोध हे शिष्य, किसी के साथ विवाद नहीं करना। अद्वैत सिद्धांत का आपको समझ में आया, किसी को नहीं आया, परंतु उसके साथ विवाद में मत फंसो, अभिवादन निबोध है, तो ये समझो, समझो कि हम विवाद क्यों खान उसी के अंदर आत्मा रूप में बैठे हुए हमारा स्वरूप, उसके साथ विवाद नहीं होता, फिर होता है उसका उसके भाव को प्रकाश होने दो। निबोध है तो बुद्ध धातु से जो है बोध है, तो कौन सा लगा है जी लोट लकार तू ता मंतु ही तम त निपसर्ग लगा हुआ लोट लकार मंतम पुरुष बहुवचन, इसका मतलब मत करो ना मत करो निबोध तो बुद्ध था तो नो टू अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस अभिवादन निबोध जागृत प्राप्ति तिष्ठते जागृत हाँ उत्तिष्ठते जागृत प्राप्ति वाला निबोध है, वहाँ पर जा करके आप इसको जानो, इसको इसको जानो। इसलिए तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन से प्रकाशित जो निबोध होता उसका नाम है ज्ञान। तो यहाँ पे बोलते हैं ख्याप्यमानम अजाति, इस प्रकार उन दोनों बातों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है जो जन्म राहित्य जो जन्म सृष्टि होना समय तही मतलब उन वादियों के द्वारा ख्याप्यमानम अजाति प्रकाशित हो रहा है जो जन्म राहित्य, हम क्या करते हैं अनुमोदन। हाँ हाँ आप भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। विवदाम न दे शब्द उनके साथ हम विवाद नहीं करते, विवदाम है ना विवदाम विवाद बदामी बदाम बदाम है ना आदि की ये लट लकार में प्रयोग किया
मतलब इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ, कभी भी वेदांत को समझने के बाद किसी के साथ कोई विवाद नहीं होना चाहिए, विवाद नहीं, अविवाद न थे श्रार्थम, उन लोगों के साथ हम विवाद नहीं करते, केवल विवदाम न थे अविवाद निबोधक है ना, ये शिष्य जो है ये हम विवाद रहित सिद्धांत है हमारा, है ना, इस पर इसको समझो, इसको समझो हे शिष्य, मतलब हमारे उपदेश के एक विवाद रहित परमार्थ दर्शन को तुम अच्छी तरह से समझ, अभिवाद निबोध तही प्रतिवादी भी रूप तथा जाति अच्छा। पांच नंबर तो उस पन्ने में यहाँ पर देखिए छोटे सा दो तीन पंक्ति है, तही एवं ख्याप्यमान अजातिम, उस उन लोगों के द्वारा इस प्रकार से प्रकाशित किया गया, जो क्या प्रकाशित किया, सत की भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, असत की भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, अजातिम एवं अस्तु, हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे, वस्तु ऐसे ही है, ऐसे ही हो, यदि अनुमोदम है केवलम, हम दोनों वाणी को अनुमोदन करते हैं, हम अनुमोदन की सत और असत दो ही कोटि को लेकर के एक बाली बोलते सत से उत्पत्ति, हम बोलते हैं आप भी सही बोल रहे हो, आप भी मतलब आप लोग को विवाद कराने के लिए नहीं, मतलब उत्पत्ति पारमार्थिक हुई नहीं, इसको समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए, इसलिए बोलते हैं अनुमोदम है केवल, न तो एक स्वार्थ हम विवदाम, उन लोगों के साथ हम विवाद नहीं करते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष धर्म, मेरा ये पक्ष है इसीलिए मैं ये बोलूँगा, तुम्हारा ये पक्ष है इसीलिए खंडना खंड खंड अपना पक्ष का मंडन ही नहीं किया, अपना भी पक्ष ही नहीं है, और सत सिद्ध वस्तु है, कथम सर्व वेदांत सिद्धम ब्रवीमी, अद्वैत वेदांत सिद्ध नहीं है, तो सत सिद्ध है वो, इसीलिए पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणे न तय सर्थम न भी बदा। पाँच नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, चार और पाँच, चार नंबर, हाँ चार नंबर टिप्पणी में, चार नंबर टिप्पणी का एवं अस्तु इति सत असतयोर अनुत्पत्त्या परमार्थ भूता अद्युत अजाति एव अस्तु, है ना, सत से भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, तो सत का उत्पत्ति होना संभव नहीं है, सत से उत्पत्ति की होना संभव नहीं है, जगत के मूल कारण के रूप में जिस सत तत्व को दिखाया गया है वो निर अवय और व्यापक है, इसीलिए उसमें परिणाम होना संभव नहीं है, और सत वस्तु का भी उत्पत्ति होना, विद्यमान वस्तु का भी उत्पत्ति होना संभव नहीं है, और असत तो है ही नहीं, उसके ना उसको ना कोई उपादान, असत वस्तु ना किसी का उपादान कर, बंधा पुत्र किसी का पिता नहीं बन सकते हैं, ना बंधा पुत्र किसी माता से उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए सत से उत्पत्ति सत का उत्पत्ति तो नहीं होना संभव नहीं है, इसलिए सत असत और अनुत्पत्ति और दोनों की उत्पत्ति होना संभव नहीं होने के कारण परमार्थ होता पारमार्थिक दृष्टि से अजाति एव अस्तु, जन्म राहित तो यही पारमार्थिक इति अर्थ इसका अभिप्रेत है। और पांच नंबर टिप्पणी, पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन एकस्मिन् धर्मिणि प्रतिवादी अनभिमत कोटि ग्रहणेन, इत्यतः कोई एक यहाँ पे विषय क्या है, सृष्टि जन्म, एक जन्म को विषय को लेकर के एक पक्ष बोलता है ऐसा होना समय पर, कोई एक पक्ष को लेकर का नहीं बोलते, इसलिए बोलता है एकस्मिन् धर्मिणी, किसी एक विषय को लेकर के प्रतिवादी अनभिमत कोटि, जो एक दूसरा वादी बोल रहे हैं उसकी विरुद्ध कोटि को लेकर के बोलना, ये होगा पक्ष प्रतिपक्ष, ये होगा पक्ष प्रतिपक्ष, है ना, किसी एक निर्दिष्ट वस्तु में उस विषय में एक वादी जो बोलता है उसको विरुद्ध कथन करना हो गया प्रतिपक्ष। इस प्रकार से एकस्मिन् धर्मिणी प्रतिवादी अनभिमत कोटि ग्रहण, प्रतिवादी के जो मत नहीं है उस पक्ष को ग्रहण करके जो विवाद होते हैं बाद होते हैं उसको बोलते हैं पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण न, यथा ते अन्योन्यमिति अभिप्राय, जैसे वो लोग एक पक्ष क्या लिया सत से उत्पत्ति, एक पक्ष क्या लिया उसका विरोध असत से उत्पत्ति, इस प्रकार से विरोध लेकर के एक दूसरे पक्ष को लेकर बोलते हैं जैसे वो लोग करते हैं ऐसा हमारे पक्ष में नहीं है, यथा ते अन्योन्यमिति अभिप्राय, अतः तब अभिवादम, इसलिए उच्च हमारे सिद्धांत जो विवाद रहित है, अभिवादन विवाद रहितम परमार्थ दर्शन, पारमार्थिक दृष्टि है, जो पारमार्थिक दृष्टि है यहाँ पर दर्शन मतलब दृष्टि अनुभूति है ना, अनुज्ञातम अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा उसको अनुज्ञात, अनुज्ञात मतलब अनुपूर्वक अनुजाना थे, मतलब हम अनुमोदन करते हैं अस्माभिः निबोध तो हे शिष्य, इसलिए हे शिष्य देखिए हम उसको हे शिष्य बहुवचन लुट लगा मतलब पुरुष बहुवचन है ना, एक वचन में क्या होता शिष्य जो लुट लगा मतलब पुरुष एक वचन था, बुद्ध धातु का बोध शेर ही अपिच अतो हे, वहाँ पे जो है अकारांत शब्द के बाद ही का लोप हो जाता है,
लोट लकर मध्यम पुरुष एक वचन में अकरंद शब्द हुआ तो हे अकत्व ही का लोप हो जाता है। देखो वेदांत हमारे आचार्य लोग हमको कैसे सावधान करते हैं, वेदांत तो समझो तभी आपका वाद विवाद बंद हो जाएगा, और नहीं समझो तो विवाद करना ही नहीं चाहिए। जब तक नहीं समझ में आता तब तक सुनना चाहिए, और समझ गया तब तो विवाद भी बंद हो जाता है। इसलिए हर अवस्था में विवाद करने संभव नहीं है। निबोधता हे शिष्य निबोधता, यहाँ पे भी 6-7-8 की टिप्पणी अपन उस समय हो गए, उसको रखते हैं कल देख लेंगे, उसको 6-7-8 की टिप्पणी छोटा छोटा कल कर लेंगे। ठीक टीका भी बचा है ना, टीका के साथ जब देखिए आज तीसरा वाला थर्ड वाला ओम नमो नारायण।